सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पहली कविता वह चिड़िया जो को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं केदारनाथ जी अग्रवाल। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने क्या कहा है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसकी कविता के अंदर क्या है। प्यारे बच्चों, इस कविता के अंदर एक चिड़िया की कहानी, चिड़िया कैसी है, क्या करती है, उसको क्या पसंद है और वो क्या क्या खाती है। वह चिड़िया जो उसको अन्न पसंद है, कच्चे दाने पसंद है, उसे नदी का पानी पसंद है, उसे जंगल में गाना गाना अच्छा लगता है। वह मुँह बोली चिड़िया, मतलब वो बहुत प्यारी चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया है। तो आओ बच्चों, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, आप जब ये कविता को देखो तो अपनी बुक सामने रख के उसको साथ साथ में रीड करना और साथ साथ में मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तो आपको ये बात कविता समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम। तो ध्यान दीजिए अपनी बुक में और मेरी तरफ में। सबसे पहली पंक्तियां देख दो। देखो बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे ढूंढी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के बारे में ध्यान दीजिएगा। वह चिड़िया कभी क्या कह रहा है कि वह चिड़िया है जो, वो कैसी है? चोंच मार कर, क्या करती है वो? चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी क्या होते हैं बच्चों? वाली, जो पेड़ मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं ज्वार के बाजरे के, उसके ऊपर जो वालियाँ होती हैं, उसके अंदर जो दाने होते हैं वो कच्चे होते हैं, दूध से भरे हुए, मतलब उससे जब हम उसको खाते हैं तो वो कच्चे होते हैं, तो उसके अंदर दूध सा निकलता वाइट वाइट। तो चिड़िया क्या करती है, कच्चे दानों जोड़ वालियों की, जो जोड़ बाजरे की जो कच्ची वालियाँ होती हैं उनके जो दाने होते हैं, कच्चे दाने होते हैं, वो बड़े मजे से खाती है। दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, मतलब वो बड़े रुचि से, बड़े ही चाव से खा लेती है, बड़े प्यार से खाती है, बड़ी रुचि से खाती है, बड़े चाव से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया है, मतलब उसको उन दानों में खाने में संतोष मिल जाता है, वो उसको मतलब ज़्यादा मतलब इच्छा नहीं होती कि और मैं और कुछ भी खाऊँ, तो उसको वही अच्छे लगते हैं झुंडी के दाने, कच्चे दाने वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके पंख कैसे हैं बच्चों? नीले, कैसे पंखों वाली है वो? नीले पंखों वाली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वो क्या कह रही है कि मुझे अन्न है ना, जो कच्चे दाने हैं, जो और बाजरे की जो वालियाँ हैं उसके जो कच्चे दाने दूध से भरे हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं उसे, उससे बहुत प्यार है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं दाने। प्यारे बच्चों, इसका पहले का आप इन पक्षियों का आपको भाव समझ में आया तो एक बार बता देता हूँ। वह चिड़िया है जो झुंडी के जो बालियाँ होती हैं, जोर बाजरे की कच्ची दाने होते हैं उनको बड़े चाव से खाती है, उससे वो दाने अच्छे लगते हैं खाना, उसे वो दाने खाना अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पक्षियाँ पढ़ते हैं हम। वह चिड़िया जो, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पक्षियाँ आ गई है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, तो बच्चों इन पंक्तियों का भाव देखते हैं, पंक्तियों का अर्थ देखते हैं हम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वह चिड़िया है जो नीले पंखों वाली, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, कंठ
वन को क्या कहा है, जंगल को बूढ़ा, बूढ़ा वनवा, मतलब यहाँ पे अलंकार का यूज हुआ है, मानवीकरण अलंकार। जब किसी निर्जीव वस्तु का जीवित वस्तु के साथ कंपैरिजन किया जाए, उसके मतलब उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ बच्चों, बूढ़े वन बाबा अलंकार, उसने उस वन को क्या कहा है, बूढ़ा, बूढ़ा वन बाबा। रस उड़ेल कर गा लेते, वो क्या करती है, पूरे रस से मतलब पूरे मजे से मीठी आवाज में उस बूढ़े वन बाबा की खातिर क्या करती है, वो गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोलनी थी, वह छोटी मुंह बोली मतलब बहुत प्यारी, मुंह बोली उसको बोलते हैं जो बहुत प्यारी हो, अच्छी हो, सुंदर हो। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं, नीले पंखों वाली मैं, कैसे पंखों वाली है वो बच्चों, नीले पंखों वाली, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन कितने से आता बेटा, एकांत होता है, कैसे क्या होता है बेटा, एकांत, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। वैसे विजन का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई भी जीव न जाता हो, लेकिन यहाँ पे विजन का मतलब जंगल है जहाँ पे कोई मनुष्य नहीं जाता हो, यहाँ पे कोई आदमी ना जाता हो, उसको बोलते हैं विजन। इस कविता के अंदर विजन का मतलब यहाँ पे जंगल है। तो क्या कहें बच्चों, चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से, मुझे एकांत जो सुनसान जगह है उससे बहुत प्यार है। तो बच्चों इस पंक्तियों का भाव क्या है कि वह चिड़िया क्या करती है, बूढ़े वन बाबा के गाते, जहाँ पे सुनसान है कोई भी नहीं जाता, उस जगह पे जाके वो क्या करती है, गाना गाती है उस बूढ़े वन बाबा के गाते, वहाँ पे कोई जीव नहीं जाता, और जीव मतलब मनुष्य नहीं जाता, और वहाँ पे कोई भी जाता नहीं, एकांत स्थान है, खाली जगह जाके वो गाना गाती है उस बूढ़े वन बाबा की खातिर, उसका मन बहलाने के लिए। वो नीले पंखों वाली बहुत अच्छी चिड़िया है, बहुत प्यारी है, और वो सबसे प्यार करती है, उसे विजन से भी प्यार, उसे विजन से मतलब उसे उस एकांत जगह से, उस जंगल से जहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं जाता, उससे भी प्यार है। तो नेक्स्ट पंक्ति क्या बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो प्यारे बच्चों इसका भाव क्या है देखते हैं, हम ध्यान दीजिए इस पंक्तियों पे। वह चिड़िया जो चिड़िया है चोंच मारकर अपनी चोंच से वो क्या करती है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी मतलब जो पूरे बहाव पे बहुत ज्यादा बहरी है, बहुत ज्यादा भरी हुई है, पानी से बहुत भरी हुई चढ़ी नदी मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई नदी, बहुत ज्यादा तेज बहाव से बहती हुई नदी, उसका क्या करती है, जल का मोती ले जाती है, उसके पास बैठती है, उसके किनारे बैठ के और वो जल का मोती उसका उठा लेती है, मतलब उसमें से चोंच में से जो जल होता है, जो मोती का रूप जल की बूंदे होती है, मोती जैसे होते हैं, उसको क्या करती है, वो अपनी चोंच में उठा लेती है और ले जाती है। वह छोटी गर्भिणी थी, वह गर्भिणी क्या होता है बच्चों, गर्भ से भरी हुई वो चिड़िया क्या है, गर्भ से भरी हुई है अपने आप, मतलब गर्भ उसको अपने आप में गर्भ से भरी हुई है। नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार उसे नदी में से पानी निकालना, मुंह निकालना चोंच से, उसे वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे नदी से बहुत प्यार है। तो प्यारे बच्चों इन पंक्तियों का भाव क्या था सबका, ये आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार मैं बता देता हूँ कि नीले पंखों वाली चिड़िया है जिसे विजन से जंगल से प्यार है, जिसे चढ़ी नदी से प्यार है, जिसे बूढ़े वन बाबा की खातिर गाना अच्छा लगता है, उसे विजन से भी प्यार है। तो प्यारे बच्चों इस कविता को एक बार ध्यान से दोबारा से फिर अपने घर पे पढ़ना और ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों आपका दिन शुभ हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।